वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास राजवीर सिंह जी, तुसी देख रहे हो डेली सिख स्टोरी। ते अज असी पहुंचे हाँ झिड़ी साहब सैक्टर 69, जिथे ते जथेदार बाबा सिकंदर सिंह जी ते आप जी नूं दर्शन कराउंदे आ जी। उन्हां दे सपुत्तर समीर सिंह जी दे, जो कि अकाली बूंगा सजाउंदे ने, ते नाल तुहानूं अकाली बूंगे दे इतिहास बारे जानकारी दिंदे आ जी। सो इदां दी होर वीडियो देखने लई दास दा चैनल जरूर सबसक्राइब करो। आज जी थोनों समीर सिंह जी नाल मिलाउंदे आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज, ये उदों दी गल है पातशाह जिस वेले गुरु पातशाह पंथ पातशाह साहबे कमाल पंथ के दानी साहबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की कचहरी लगी हुई है, दरबार सजा हुआ महाराज का। तो उस वेले अकाल पुरख ने महाराज ने संगत नूं वचन किते, संगत गुरु का रूप है पातशाह। महाराज ने वचन किते कि सानू अकाल पुरख के दर्शन कराओ। महाराज की खेडा उही जानदे ने, ते ये वचन सुन के सारी कचहरी सारा दरबार खामोश हो गया। तो महाराज ने उस वेले महाराज के सपुत्र बाबा फतेह सिंह जी सामने आए, तो कहते पिता जी असी करावे दर्शन। तो उस वेले वो पांच सिंघां नूं अपने नाल लेके गए, तो महाराज ने बाणी का प्रभाव चलाया। तो अकाल पुरख ने ऐसी खेड वरताई, सजे जो दमाला छुटा खूब फर्रा, अजब सोहे चक्कर खंडे तोड़े वाला। महाराज दे अहिजा रूप चलिया, एडा वड्डा दमाला अकाली बूंगा जिन्हों आख्या जाता। साढ़े दमाले अहे कुछ भी नहीं है, उन्हों का दमाला का विराट रूप च चक्करां दे चक्कर चंद तोड़े एडा सरूप तैयार पर तैयार होया। महाराज का फरला सजा होया, फरला महाकाल का रूप है, महाकाल अकाल पुरख का रूप है, महाकाल अकाल पुरख एक बराबर। जो उन्होंने आख्या जेड़े सिंह निहंग सिंह फौज जिन्हें फरला सजा हुंदा, वो महाकाल फौज आखी जाती है भाई। महाकाल फौज अकाल पुरख का रूप, एक उन्होंने एक रूप जाओ। तो महाराज ने वचन किए सी कि सानू अकाल पुरख के दर्शन कराओ। तो महाराज बाबा फतेह सिंह जी, फतेह सिंह जी पातशाह जी पांच सिंघां नूं लेके गए, तो बाणी का प्रभाव चलाया। तो महाराज बाणी के प्रभाव च अकाली बूंगा महाकाल स्वरूप का तैयार पर तैयार होया। पांच सिंघां ने महाराज के फरला सजाया, अकाली वड्डा दमाला वड्डा स्वरूप दमाले का तैयार पर तैयार करके खालसे दे महाराज संगत के सामने आए। तो महाराज जी देख के बड़े प्रसन्न होए। महाराज ने उत्थे पातशाह साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी की परिक्रमा की, तो उन्होंने 5 रुपए मत्था टेक के उन्हें मत्था टेकया, तो अकाल उन्होंने चरणी शीश नवाया। पातशाह जी ने कहते कि यह अकाल पुरख का रूप है। तो उस वेले महाराज ने यह वचन किए, बाबा फतेह सिंह, फतेह सिंह ते जथे सिंह, बुढ़ा दल दी बाबा फतेह सिंह के नाम से दल पंथ चलते आए हैं, ये बाबा फतेह सिंह के नाम से चलते रहे हैं।